स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है किसी भी एटम के शेल्स और उसके बाद सब शेल्स में। हमने क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट बाय अ शेल इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2n2। ठीक है, अगर हमारे पास फर्स्ट शेल है तो 2 × 1 का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा, सेकंड शेल है तो 2 × 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेगा। उसके बाद हमने बात की थी कि शेल कंटेन सब शेल, शेल में सब शेल मौजूद हैं, एस पी डी एंड एफ, दीज आर कॉल्ड सब शेल्स। और सब शेल के बाद हमने कहा था कि सब शेल के अंदर फर्दर डीजनरेट मौजूद हैं, एस ऑर्बिटाल का एक ही डीजनरेट है, पी ऑर्बिटाल के 3 डीजनरेट हैं, डी ऑर्बिटाल में 5 और एफ ऑर्बिटाल में 7 डीजनरेट ऑर्बिटाल मौजूद हैं। एंड ईच डीजनरेट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक डीजनरेट 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। अब अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे आते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो रूल है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है, इसे हम कहते हैं ऑफ बॉ प्रिंसिपल। एंड ऑफ बो प्रिंसिपल, ऑफ बो इज अ जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप, इसका मतलब है बिल्डिंग अप। अब अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड और फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन एन ऑर्बिटल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। ठीक है, फिलिंग का ऑर्डर क्या होगा, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर में फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, तो उसके लिए हमारे पास रूल है जिसे हम कहते हैं n प्लस l रूल। n प्लस l रूल कहता है कि सम ऑफ वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जिस ऑर्बिटल के लिए इसकी वैल्यू लार्ज होगी उसकी एनर्जी हाई होगी, जिसके लिए इसकी वैल्यू कम आएगी वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। सो ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय एन प्लस एल रूल। तो एन प्लस एल रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन एनर्जी ऑर्डर, हम एनर्जी ऑर्डर मालूम करने के लिए n प्लस l रूल यूज़ करेंगे। और अगर मैं कहता हूँ मेरे पास ऑर्बिटल है 3d एंड 4f, तो हम इनके लिए n प्लस l वैल्यू देख लेंगे, जिसके लिए n प्लस l वैल्यू कम होगी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसकी n प्लस l वैल्यू ज़्यादा होगी वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट गोज इनटू लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, पहले इलेक्ट्रॉन फेल होगा लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में। अब 3d ऑर्बिटल है, ये जो 3 है ये n है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए क्या है, 3 है, n इज इक्वल टू 3। उसके बाद d ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है, हमने कहा था वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 लेस देन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, d ऑर्बिटल है तो वो हो जाएगी 2। ठीक है, एस ऑर्बिटल के लिए हमारे पास वैल्यू ऑफ एल क्या होती है, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। तो हमारे पास एन प्लस एल क्या हो जाएगा, एन प्लस एल इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। अब अगर हम 4f ऑर्बिटल के लिए n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करें तो n इज इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, प्लस f के लिए l की वैल्यू क्या है, 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। 3d ऑर्बिटल के लिए हमारे पास n प्लस l वैल्यू 5 है और 4f के लिए 7 है, तो हम कहेंगे 3d इज लोअर एनर्जी देन 4f। हम किसी भी दो ऑर्बिटल का
एनर्जी लेवल डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ एनर्जी मालूम कर सकते हैं कि विच वन इज़ लोअर एनर्जी विच वन इज़ हाई एनर्जी बाय एडिंग एन प्लस एल वैल्यू। सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑफ बो प्रिंसिपल, एंड अकॉर्डिंग टू ऑफ बो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल एंड ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इज डिटरमाइंड बाय एन प्लस एल रूल। इफ एन प्लस एल वैल्यू इज स्मॉल द एनर्जी लेवल इज लोअर एनर्जी, इफ एन प्लस एल वैल्यू इज लार्ज दिस एनर्जी लेवल इज ऑफ हायर एनर्जी। ठीक है, हम किसी भी दो ऑर्बिटल का जब एनर्जी मालूम कर एन प्लस एल वैल्यू मालूम करें उनमें से जिसकी एन प्लस एल वैल्यू कम होगी वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। उसके बाद अगर हमारे पास एन प्लस एल वैल्यू सेम आ जाए, अगर किसी दो ऑर्बिटल के लिए क्या है एन प्लस एल वैल्यू सेम है तो ऑर्बिटल विद स्मॉलर एन वैल्यू इज़ द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसकी एन वैल्यू स्मॉल होगी वो एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा। स्टूडेंट्स, हमने बात की कि अगर हमारे पास दो ऑर्बिटल की सेम एन प्लस एल वैल्यू आ जाएगी तो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल वो होगा जिसके लिए एन वैल्यू लोअर होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं 3d ऑर्बिटल एंड 4p ऑर्बिटल की, तो 3d ऑर्बिटल के लिए हमारे पास n प्लस l वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 3, प्लस d ऑर्बिटल के लिए l वैल्यू क्या है 2, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 4p ऑर्बिटल के लिए हमारे पास n वैल्यू 4, प्लस p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो इट इज़ इक्वल टू 5। दोनों के लिए हमारे पास n प्लस l वैल्यू क्या है 5 है। सो विच वन इज़ द लोअर एनर्जी, 3d ऑर्बिटल के लिए n वैल्यू लोअर है जबकि 4p ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू हायर है, और n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हमें मालूम है कि लोअर ऑर्बिटल जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लो होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो स्मॉलर द n वैल्यू ठीक है लोअर इज़ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। तो हम कहेंगे 3d इज़ लोअर एनर्जी, इनमें से 3d लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होगा हमारे पास। हमारे पास जो दूसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, वो है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के जो कि सेम ऑर्बिटल में हों और उसके बाद सेम डिजेनरेट में हों, सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर नहीं हो सकती। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन रिजाइडिंग इन अ सेम ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि एस ऑर्बिटल में है फर्स्ट शेल के, एन इज इक्वल टू 1 है फर्स्ट शेल है, L इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1, अजीमुथल क्वांटम नंबर 0, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर माइनस L टू प्लस L होता है तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, एंड स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज होगा या इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा स्पिन या एंटी क्लॉकवाइज में होगा, इसका मतलब है एस की वैल्यू क्या होगी प्लस हाफ और माइनस हाफ, इसमें से कोई एक होगी। मैंने यहाँ प्लस हाफ लिख दी कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू प्लस हाफ है ठीक है, अगर इसी शेल में दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उसके लिए एन की वैल्यू अगेन 1 होगी क्योंकि फर्स्ट शेल है, एल की वैल्यू 0 हो जाएगी एस सब शेल के लिए, एल इज इक्वल टू 0 बिकॉज एल इज इक्वल टू एन माइनस 1, m इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू माइनस एल टू प्लस एल, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर मेरे पास एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो एक अगर क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा उसके अपोजिट स्पिन के साथ होगा, इसका मतलब है एक ही शेल में और उसके सब शेल के एक ही डिजनरेट में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस हाफ होगी उसके अपोजिट होगी, एंड इट इज़ कॉल्ड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, नो टू इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन अ सेम ऑर्बिटल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर
क्वांटम नंबर्स के चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू एक ही ऑर्बिटल में मौजूद दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकती। और डिफरेंस कहाँ पे आएगा, देयर स्पिन मस्ट बी अपोजिट टू ईच अदर, उन दोनों के स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर एक का स्पिन प्लस हाफ होगा तो दूसरे का स्पिन माइनस हाफ होगा, ठीक है। दे आर विद अपोजिट स्पिन, और जब दो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में हों तो इन्हें हम कहते हैं पेयर्ड, इनकी पेयरिंग हुई है। इफ़ वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा रूल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का वो है हॉन्स रूल, एंड अकॉर्डिंग टू हॉन्स रूल इफ डी जनरेट ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन विल गो टू द डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रादर देन इन टू द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास हम एक एटम ले लेते हैं, हम कहते हैं हमारे पास मौजूद है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये जो 3p5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें मालूम है p ऑर्बिटल के 3 डीजनरेट हैं, px, py एंड pz, एक्स वाई और जेड रिप्रेजेंट कर रहा है इनकी डायरेक्शन इन एन स्पेस, ये इनकी ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन इन 3 डीजनरेट में कैसे फिल होंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक डीजनरेट में आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे डीजनरेट में विद सेम स्पिन, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे डीजनरेट में विद सेम स्पिन, इन तीनों की एनर्जी इक्वल है। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपोजिट स्पिन के साथ पेयर करेगा और पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ अपोजिट स्पिन के साथ पेयर करेगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पांच इलेक्ट्रॉन जब 3 डीजनरेट में फिल हो तो पहले एक यहाँ पेयर बन जाए, फिर दूसरा पेयर हो जाए और उसके बाद तीसरा जो है यहाँ पे अनपेयर्ड बचे, पहले दो पेयर हो जाए फिर दो और फिर लास्ट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, ऐसे फिलिंग नहीं होती। अगर हमारे पास सोडियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2p4, 2p6 10, 3s1, इसके पास s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है मैग्नीशियम, हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो Mg एटॉमिक नंबर 12 ये हो जाएगा 3s2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है, हम एटॉमिक नंबर 14 की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, हमारे पास एटॉमिक नंबर 14 है, हम अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, ठीक है। अब हमारे पास p में जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये 3 डीजनरेट में डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, तो हमारे पास ये कैसे फिल होंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दूसरे इक्वल एनर्जी डीजनरेट ऑर्बिटल में, ये सही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, ना कि ऐसा हो कि 3 डीजनरेट में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाए और दो एम्प्टी रहे। ये है हमारे पास होम्स रूल कि नो इफ एक डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन विल फिल इन एन ऑर्बिटल विद सेम स्पिन रादर देन इन टू द सेम ऑर्बिटल विद अपोजिट स्पिन, फिल इन एन डिफरेंट ऑर्बिटल विद सेम स्पिन, डिफरेंट ऑर्बिटल में सेम स्पिन के साथ पहले फिलिंग होगी उसके बाद पेयरिंग होगी, ना कि पहले ही जो है वो सेम ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ पेयर्ड होंगे, ठीक है, इसे हम कहेंगे हॉन्स रूल। अब इसके बाद हमें मालूम होना चाहिए कि हम किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकें, अगर हमें कहा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर आपको ऑर्डर ऑफ एनर्जी या सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल याद नहीं रहती, 1s2s2p
3s, 3p, 3d, 4s, 4p, अगर आपको ये सीक्वेंस याद नहीं रहता तो उसके लिए एक आसान तरीका है कि क्या करें, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s। सबसे पहले 1s से 7s तक लिख लें, उसके बाद फर्स्ट शेल के ये 1, 2, 3 हमें मालूम है रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम नंबर को। तो पहले शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, उसके बाद उसमें कुछ नहीं है, तो 1s को छोड़ दें। 2s, 2 सेकेंड शेल में एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ कर लें 2p, ठीक है, यहाँ मैं 2p कर देता हूँ, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p एंड देन 7p। थर्ड में डी ऑर्बिटल भी मौजूद है, 3d, 4d, 5d, 6d एंड 7d, जबकि 4 में f मौजूद है, तो 4f, 5f, 6f एंड देन 7f, पहले ये लिख लें। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करें और एरो लगाते जाएं, ठीक है। हमारे पास ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है इस ऑर्डर में। इसका मतलब है सबसे लोअर 1s, देन गो टू 2s, 2s देन 2p, 3s, 3p, 4s, 4s के बाद 3d, इसका मतलब है 4s इज लोअर इन एनर्जी देन 3d। या जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, उसके बाद 3d में, देन 4p, 5s, उसके बाद 4d, 4d के बाद 5p, 6s, देन 4f। तो हम इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए। उसके बाद 3s2, 3p6, 4s2, यहाँ तक हो गए 20, और 4s के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा 3d1 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ क्रोमियम की, एटॉमिक नंबर 24, तो ये क्या हो जाएगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4 नहीं करना, बल्कि यहाँ पे क्रोमियम एक एक्सेप्शन है और ये होता है 4s1, 3d5, ठीक है। हमारे पास क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1, 3d5 है, s में एक इलेक्ट्रॉन है और d में 4 के बजाय 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी रीज़न क्या है, हम कहते हैं हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। हमारे पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होगा पार्शल फिल्ड ऑर्बिटल से। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 4s2 3d4, तो ये कंप्लीटली फिल्ड है जबकि 3d पार्शली फिल्ड है। और अगर हम लिखते हैं 4s1 3d5, तो ये भी हाफ फिल्ड है और ये भी हाफ फिल्ड है, बोथ आर स्टेबल, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है लेकिन इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसके बाद हमारे पास एक और एक्सेप्शन भी मौजूद है जो कि बहुत कॉमन है, वो है कॉपर, एटॉमिक नंबर 29। अगर हम कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, देन 3p6, 4s एंड 3d। अगर हम नॉर्मली लिखते हैं तो ये बनती है 4s2, 3d9,
लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि इसकी कन्फिग्रेशन होती है 4s1 and 3d10, क्योंकि अगर s का एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में जाता है तो s हाफ फिल्ड हो जाएगा और d कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। तो हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Ba की एक्सेप्शन है और वो आपने याद रखनी है 4s1 3d10। यहाँ पे भी यही रूल है कि हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए किसी भी ऑर्बिटल की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिख सकें। ठीक है, अगर आपके पास एटॉमिक नंबर मौजूद है या आपके पास एटम का सिंबल मौजूद है तो आप उसको देखते हुए आपके जो भी एटॉमिक नंबर जहन में, आप उसकी कन्फिग्रेशन, इसके अलावा एटम के अलावा कन्फिग्रेशन आयन की भी हो सकती है। जैसे अगर मैं कहूँ Cl नेगेटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो यहाँ पर कोई ख़ास डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ हम क्या करेंगे 17 के बजाय 18 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। एटॉमिक नंबर इज 17 बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 18, क्योंकि इसके ऊपर एक यूनी नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, ये हो जाएंगे 10 प्लस 2 12 12 प्लस 5 था 17 3p6 हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह अगर हमारे पास किसी कैटाइन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने लिखनी है, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं कैल्शियम प्लस 2 की, ठीक है, एटॉमिक नंबर 20, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसने अपने 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अब यहाँ पे 4s0 है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, वैसे 4s2 था। तो ये 3p6 तक हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे MCQs में इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, किन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है जिनमें एक जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे कि Cl नेगेटिव आयन, जैसे कि F नेगेटिव आयन, ठीक है, और नियोन, इनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। ठीक है, अब अगर F नेगेटिव आयन है तो इट कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जबकि नियोन एटॉमिक नंबर 10 है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट्स, हमने अभी बात की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, हमने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कौन कौन से रूल्स हैं, ऑक्वा प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल, और हमने बात की अकॉर्डिंग टू ऑक्वा प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नो इलेक्ट्रॉन हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल फोर क्वांटम नंबर्स, एंड हंड्स रूल स्टेट दैट इफ डीजनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल देन इलेक्ट्रॉन्स will fill in a different orbital with same spin rather than in a same orbital with opposite spin. हमने इसकी कुछ examples देखी, उसके बाद हमने electronic distribution लिखी और हमने कहा कि n plus l rule के मुताबिक हम decide करेंगे which orbital is lower in energy and which orbital is higher in energy. और n plus l rule क्या है, n is the principal quantum number, l is the azimuthal quantum number. If value of n plus l is lower, the energy of orbital is lower. ठीक है, हम दो orbital को compare करें अगर, तो हम दोनों के लिए n plus l की value मालूम करते हैं, जिसके लिए n plus l की value lower होगी वो lower energy orbital होगा। उसके बाद हमने बात की कि अगर किसी दो orbital के लिए n plus l value same आती है तो हम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल उसको कहेंगे जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। अब हम बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मुतालिक।
ठीक है, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक जो है वो इसमें से एमसीक्यूज़ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इससे एमसीक्यूज़ बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें से एमसीक्यूज़ आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें मालूम होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटोन इन अ न्यूट्रल एटम। सबसे पहली बात, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होंगे। इफ़ एनायन इज फॉर्म्ड एट नेगेटिव चार्ज इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जितना नेगेटिव चार्ज है उसे ऐड कर लें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं वो सब्सट्रैक्ट कर दें, उतने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, प्रोटॉन पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ क्या चीज़ कम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होंगे जितना किसी भी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसी तरह प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इट इज़ सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन नंबर और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मैस नंबर, बिकॉज सम मैस ऑफ एन एटम इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब है अगर मैं न्यूक्लियॉन नंबर में से प्रोटॉन नंबर सब्सट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे, और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद हम इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हम वो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, व्हाट कुड बी द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कह रहे एक एलिमेंट है उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा। हमें मालूम है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ले लेते हैं। ठीक है, हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए शेल की भी और सब शेल की भी। हमारे पास एक सिंपल तरीका स्टूडेंट्स ये है कि अगर मैं कहता हूँ मेरे पास है सोडियम, प्रोटॉन नंबर 11, एटॉमिक नंबर 11 है, तो मैं इसके शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 281। ठीक है, ये मेरे पास शेल की कॉन्फ़िगरेशन है। अब इस शेल में सब शेल ये 2s हो गया, इसमें 2 है, इसकी सब शेल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, 2 and 6, 2s में और 6 इलेक्ट्रॉन p में, और उसके बाद फिर ये जो 1 है ये किस में है, ये s में है। ठीक है, टू ये 2s हो जाएगा 1, और ये किस में है, ये s ऑर्बिटल में मौजूद है। ठीक है, तो हम जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो जाएंगे 2 and 3। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे, 2s में होंगे जबकि 1 p में होगा। अगर हम b पे जाते हैं तो ये है 2 8 10 + 3। अब ये तो पेयर्ड होंगे, ये जो 3 है ये 2s और 2p में है, 2s2 2p1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड शेल में हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2 8 and 5। ठीक है, ये 1s हो गया, 2s and 2p, थर्ड शेल है तो थर्ड शेल में 3s and 3p, 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करें 2 and 3, और p के जो 3 ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे होंगे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि हमें मालूम है इफ डीजेनरेट्स ऑर्बिटल आर अवेलेबल इलेक्ट्रॉन विल गो इन अ सेपरेट ऑर्बिटल। तो p की फीलिंग कैसी है, एक इलेक्ट्रॉन px में है, एक py में है, एक pz में है, तो c इज द ऑप्शन। ठीक है, हम d को वैसे देख लेते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 8 8। ठीक है, 2 8 8 16 16 + 2 18 and 21। ठीक है, ये s हो गया, 2s and 2p, 3s 3p, 4s and 4p, 4p में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो हमारे पास ये c ऑप्शन जो है, 15 एटॉमिक नंबर में हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटोन एंड मोर प्रोटोन देन न्यूट्रॉन्स। हमारे पास जो ऑप्शन है डी नेगेटिव है, डी फॉर ड्यूट्रियम, H3O पॉजिटिव,
ओ डी नेगेटिव एंड ओ एच नेगेटिव है, ठीक है। हाइड्रोजन की जगह यहाँ ड्यूटियम यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जो दो आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के जो यहाँ यूज़ हुए हैं या जितने भी एटम टोटल हैं, मैं सबसे पहले फौरी उनका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर लिख लेता हूँ। मुझे मालूम है 1H1, 1D2 एंड 8O16, ये तीन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। ड्यूटियम में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा हों। D1 में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक ही न्यूट्रॉन, ठीक है। H3O पॉजिटिव में तीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, जितना प्रोटॉन नंबर होगा उतना टोटल हो गए, 8 + 3 = 11, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है एक कम कर दूं 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं प्रोटॉन कैलकुलेट करता हूं हाइड्रोजन के पास, H1 के पास कोई प्रोटॉन नहीं होता, ठीक है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन होता है, तो कोई प्रोटॉन नहीं है। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर 8 है तो इसके पास 8 प्रोटॉन हो गए। ओ डी नेगेटिव, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, ड्यूटियम का 1 इलेक्ट्रॉन, 9 प्लस माइनस 1 चार्ज है, तो टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने एक ऐड कर दिया। प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, ऑक्सीजन 8, ड्यूटियम में एक प्रोटॉन, 8 + 1 = 9 प्रोटॉन्स हो गए। अब हमारे पास रह गया ओ एच नेगेटिव, 8 प्रोटॉन + 0, ये हो गए 8 प्रोटॉन, पहले हम इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं जो सीक्वेंस हमने सबके लिए किया, 8 इलेक्ट्रॉन + 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब हम इनके आगे न्यूट्रॉन्स लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने न्यूट्रॉन नहीं लिखे, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स हैं, 3 + 8 = 11, यहाँ पे 8 + 1 = 9 और यहाँ पे हो जाएंगे हमारे पास 8। अब क्वेश्चन फिर से एक दफ़ा देख लेते हैं, विच वन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन एंड मोर प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन कम है ये भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से इक्वल है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन्स मोर देन न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन यहाँ पे 9 है, एक प्रोटॉन हाइड्रोजन का है, 8 प्रोटॉन ऑक्सीजन के हैं, इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन, प्रोटॉन मोर देन न्यूट्रॉन, तो हमारे पास OH नेगेटिव आयन आएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता होनी चाहिए, हमें क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मालूम होना चाहिए कि कितने होंगे और हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फौरी हम मज़ीद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम विद प्रोटॉन, फॉर एटम विद प्रोटॉन नंबर 13 to 18। कह रहे एटम विद प्रोटॉन नंबर 13 to 18, इसका मतलब है 13, 14, 15, 16, 17 and 18 एटॉमिक नंबर के एटम्स हैं हमारे पास, उनके अनपेयर्ड पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। हम पहले एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के उसके बाद पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन हम उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे फ्रॉम 13 to 18 और जस्ट देखेंगे। एटॉमिक नंबर 13 है तो हमारे पास 13 एटॉमिक नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके बाद
14 एटॉमिक नंबर में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा अनपेयर्ड, 15 में एक ऐड हो जाएगा, जब 16 आएगा तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। 16 में पेयर होगा, 17 में दूसरा भी पेयर हो जाएगा और 18 में तीसरा भी पेयर्ड हो जाएगा। अब हमें यहाँ से ट्रेंड पता चल गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15, 16, 17 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 17, 18, 19 पे कम हो जाएंगे। अब मुझे डायरेक्ट मैं चूज़ कर सकता हूँ, मुझे मालूम है फ्रॉम एक एक्सिस पे हमारे पास ऑप्शन में प्रोटॉन नंबर दिया हुआ है, दूसरे एक्सिस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं फ्रॉम 13 टू 18, नहीं हो सकते। फ्रॉम 13 टू 18 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं हो सकते। 13, 14, 15 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उसके बाद कांस्टेंट है, नहीं। हमारे पास ट्रेंड क्या है, 13 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 14 में दो, 15 में तीन, 16 में एक पेयर हो गया, 17 में दूसरा भी पेयर्ड हो गया, 18 में तीसरा भी पेयर्ड हो गया। इसका मतलब है पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 15 एटॉमिक नंबर तक बढ़ेंगे, देन 18 तक डिक्रीज होंगे, तो हमारे पास ऑप्शन डी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉस्फाइडाइन। फॉस्फाइडाइन का फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, 15P32 3-। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए कि जो लिखा हुआ है 15 सबस्क्रिप्ट में, ये प्रोटॉन नंबर है जिसे हम एटॉमिक नंबर भी कहेंगे। जो 32 सुपरस्क्रिप्ट में गिवन है ये हमारे पास है न्यूक्लियॉन नंबर और मास नंबर, और ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है, और 3- इसका चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन ए है 15 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। बी में हमारे पास है 15 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन्स, 17 प्रोटॉन, 15 न्यूट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन्स, और डी 32 प्रोटॉन, 17 न्यूट्रॉन एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हमें यहाँ गिवन है फॉस्फाइडाइन 15, 32, तो हमें मालूम है 15 इज़ द प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन 15 होंगे, तो हम यहाँ देखेंगे प्रोटॉन किस में 15 है। फर्स्ट साइड पे मैं रिजेक्ट करता हूँ ऑप्शन सी और डी को, क्योंकि जो प्रोटॉन नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ही होने चाहिए, तो मेरे पास जो ऑप्शन आएगा वो ए और बी में से होगा। अब उसके बाद ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम है 32, तो हमें मालूम है अगर हम न्यूक्लियॉन नंबर माइनस प्रोटॉन करेंगे तो ये आ जाएंगे न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 32 माइनस 15 इज इक्वल टू 17, ये दोनों का सम है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन है, मैं प्रोटॉन माइनस कर दूं इसमें से, ठीक है, 32 में से 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग न्यूट्रॉन बच गए, न्यूट्रॉन 17 है, ऑप्शन ए में भी 17 है, बी में भी 17 है, इसका मतलब है न्यूट्रॉन मेरे पास 17 ही होंगे। उसके बाद रह गए इलेक्ट्रॉन, हमें मालूम है इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है फॉस्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्लस 3 में कर देता हूँ नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन इज ए, ए में हमारे पास 15 प्रोटॉन है, 17 न्यूट्रॉन है एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन कार्बोनेट आइन। हाइड्रोजन कार्बोनेट आइन और बाइकार्बोनेट एक ही चीज़ है, हम कार्बोनेट CO3 2- को कहते हैं, बाइकार्बोनेट हम कहते हैं HCO3- को, बाइकार्बोनेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 twice इसका फॉर्मूला दिया हुआ है।
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। अब हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन को हमेशा अपने एमसीक्यूज में बहुत केयरफुली पढ़ना है उसके स्टेटमेंट को, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जल्दबाजी में अगर हम करें तो हम उसमें मिस्टेक कर देते हैं क्योंकि हम सही से उसको समझते नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन हाइड्रोजन कार्बोनेट आई नॉट इन कैल्शियम कार्बोनेट, ये जस्ट हेल्प के लिए आगे दिया हुआ है, हिंट है कि CaHCO32 ट्वाइस कैल्शियम कार्बोनेट है तो इसमें से हमें मालूम है HCO3 इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, हमने इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। हम क्या करें, हम HCO3 लिख लेते हैं, HCO3 पे चार्ज होता है -1। अब हम इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन के प्रोटॉन नंबर 6 है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर 8 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 24, और एक हम ऐड कर लें नेगेटिव चार्ज का, 24 6 30 + 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे पास ऑप्शन ए 30 है, बी 31 है, सी इज 32, ठीक है, तो हम आसानी से चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलियम नाइट्राइड इज आयोनिक कंपाउंड कंटेनिंग गैलियम 3 पॉजिटिव आयन, Ga3 पॉजिटिव है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ नाइट्रोजन इन गैलियम नाइट्राइड। गैलियम नाइट्राइड में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ठीक है। अब नाइट्रोजन जब गैलियम 3 पॉजिटिव है तो गैलियम नाइट्राइड बनेगा GaN, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3, इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन को -3 होना चाहिए और हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स +3 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका मतलब है 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए नाइट्रोजन के पास, गैलियम नाइट्राइड में 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमारे पास 1s2 2s2 नहीं हो सकता, 1s2 2s2 2p4 8 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, 1s2 2s2 2p3 7 इलेक्ट्रॉन है, सी भी नहीं हो सकता, 1s2 2s2 एंड 2p6 यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p6, क्योंकि जब भी कोई आयनिक कंपाउंड होगा तो जितना पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयन पे होगा नेगेटिव आयन पे भी उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब आयन किस रेशियो से अटैच होंगे ये डिपेंड करेगा उस आयन की वैलेंसी पे। हम यहाँ थोड़ी सी इस बात को समझ लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, हम कैल्शियम नाइट्राइड या लिथियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइड अगर हम बना रहे हैं तो यहाँ पे अब ये नहीं होगा कि नाइट्राइड जो है वो कितने अटैच होंगे, एक नाइट्राइड अटैच होगा, एक नाइट्राइड अगर -3 है हम क्या करते हैं वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप ऐसे केस में -3 इधर ले जाएं +2 इधर ले जाएं, अब ये माइनस और प्लस साइन को छोड़ दें, 3 इधर ले जाएं 2 इधर ले जाएं, ये हो जाएगा कैल्शियम Ca3N2, 3 कैल्शियम आयन 2 नाइट्राइड आयन के साथ अटैच होंगे, ये इसका फॉर्मूला होना चाहिए। अगर 3 कैल्शियम का चार्ज +6 होगा तो 2 नाइट्राइड का चार्ज -6 होगा, ठीक है। अगर मैं कैल्शियम सल्फेट लिखूंगा तो कैल्शियम +2 SO4 -2 1:1 इक्वल चार्ज है तो 1:1 रेशो से CaSO4 बनेगा, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बेटा यहाँ पे देखें OH -1 होता है, कैल्शियम +2 -1 इधर ले जाएं +2 इधर ले जाएं, कैल्शियम OH होल ट्वाइस, एक कैल्शियम और दो हाइड्रोक्साइड आयन आपस में अटैच होंगे, ये फार्मूला मेकिंग का तरीका है, इसे हम फार्मूला मेकिंग कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ का फार्मूला कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे गैलियम +3 है, नाइट्रोजन -3 होता है तो +3 -3 1:1 रेशो में अटैच होगा और हमारे पास एक नाइट्रोजन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटॉप ऑफ थेलियम 81-201 इज करेक्ट। ये आइसोटॉप है 201 और 81, प्रोटॉन नंबर 81 है, मास नंबर 201 है। आइसोटॉप हैज न्यूक्लियोन नंबर 120। न्यूक्लियोन नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये 201 इसका न्यूक्लियोन नंबर है। नहीं, ये पहला स्टेटमेंट गलत है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 81। हमें मालूम है प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहीं पे मुझे करेक्ट आंसर मिल गया है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज 81। हम बाकी ऑप्शन बी देख लेते हैं, वो क्या है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 201। नहीं भाई, 201 सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये स्टेटमेंट भी गलत ही है। 82-201 इज एन आइसोटॉप ऑफ 81-201। नहीं, आइसोटॉप में प्रोटॉन नंबर सेम होगा, मास नंबर में चेंज आएगा। जो सबस्क्रिप्ट में लोअर वैल्यू है वो सेम रहेगी, 81 ही रहेगा। 201-202 हो सकता है, 3 हो सकता है आइसोटॉप से, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है दोनों। तो हमारे पास इसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल्स। बेटा, जब भी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी देखेंगे तो एक बात याद रखनी है कि सबसे पहले जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है। ठीक है, 1s, 2s, 2p, ठीक है, 3s, 3p, यहाँ तक हम सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के फौरी डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3s, 3p, 3d एंड 4s। अब 1s, 2s, 2p, 3s, 3p तक हम देखेंगे वैसे, उसके बाद जब 3d आता है, 3d और 4s, हम यहाँ पे कहते हैं कि 4s इज लोअर एनर्जी देन 3d। तो ये जो पहला ऑर्बिटल है, पहला ऑप्शन है 3s, 3p, 3d, 4s, ये गलत है। ठीक है, 3d लोअर एनर्जी नहीं होता 4s से, 4s इज फिल्ड फर्स्ट देन इलेक्ट्रॉन 3d में जाते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन है 3s, 3p, 4s एंड देन 3d। हमें मालूम है पहले 3s, देन 3p, फिर 4s, देन 3d। ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है बिल्कुल। उसके बाद है 3s, 4s, 3p, 3d, 3p, 4s से बाद चला गया, तो ये सही नहीं हो सकता। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से, और n प्लस l रूल भी देख ले, 4 प्लस 0, 3 प्लस 2, ठीक है, 4 प्लस, ये 4 ऑर्बिटल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है। ठीक है, ये 3 प्लस 1, 3 प्लस पी के लिए 1, 4, दोनों का 4 है और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो ये हायर होगा। इसी तरह 4s, देन 3s, 3p, 3d, ये ऑर्डर भी बिल्कुल गलत है। तो हमारे पास बी ऑप्शन है। और मैंने एक लेक्चर में, जब हमने पीछे बात की है थोड़ी देर पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वहाँ मैंने कहा कि अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है, आपको ये ऑर्डर याद नहीं रहते, तो आप 1s, 2s, 3s, 3p जस्ट एक मिनट में ये जो है वो लिख के इसको कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद पोटासियम। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिन दो चीज़ों में एक जितने इलेक्ट्रॉन हो उन्हें हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद के पॉजिटिव। कह रहे जिस जो के पॉजिटिव के आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसका मतलब है जिसमें के पॉजिटिव आए जितने इलेक्ट्रॉन ना हो। के पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले तो मैं ये निकाल लेता हूँ। पोटासियम एटॉमिक नंबर 19, प्लस 1 चार्ज है, तो एक कम कर देता हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, प्लस 2 चार्ज है, 20 में से 2 कम करें, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटासियम। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन। Cl नेगेटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद के पॉजिटिव। S2 नेगेटिव सल्फर एटॉमिक नंबर 32,
सॉरी एटॉमिक नंबर 16, मैथ 32, एटॉमिक नंबर 16, 2 नेगेटिव, 16 प्लस 2 नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव ऐड किया, 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 18 है। अब अंडरस्टूड है कि टाइटेनियम जो है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा, लेकिन हम इसका एटॉमिक नंबर भी देख लेते हैं। स्कैंडियम देन टाइटेनियम, डी और डी एलिमेंट की फर्स्ट सीरीज का दूसरा एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 22 के साथ, 22 प्लस 3 नेगेटिव चार्ज है तो 3 कम कर दें, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद पोटासियम, यही हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम स्टार्ट करेंगे।